आता है ना लाभार्थी गर्भवती महिलाएं आती है, उन माता जो प्रसव कराने जो आती है हमारे यहाँ, उनका हम लोग इस रूम में एक ट्राई रूम बनाए हुए हैं, ठीक ना, कि उन पेशेंट का कैसा स्थिति है, क्या कंडीशन है पेशेंट का, उनको चेकअप करने के लिए। सिस्टर आप पूरा बताइए, आप बेहतरीन तरीके से बताइए। यहाँ पर पेशेंट आती है, उसके स्थिति के अनुसार उसको हम या तो वार्ड में शिफ्ट करते हैं या तो लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं। ये कौन सा रूम बोलते हैं? ट्राइज रूम है। ट्राइज रूम है जी। ये देखिए सबसे बेहतर है कि यहाँ पर कितना साफ सफाई, देखिए ये सारा चीज इतना अच्छा है, जैसे प्राइवेट संस्थानों में प्राइवेट अस्पतालों में आपको दिखेगा ऐसा है। यहाँ हल्का पीएससी का व्यवस्था है, देखिए किस प्रकार से सजा के रखा गया है, वैसे होना चाहिए। हर जगह सरकार देती है सुविधा, लेकिन कुछ लोग यूज नहीं करते हैं और कुछ लोग करना भी नहीं चाहते। देखते जाइए, अगर आप ये स्टोर रूम है, देखिए किस प्रकार से इसका स्टोर है, बताइए सर। ये लेबर रूम का स्टोर रूम है जिसमें सारे का लेमिनेशन किया हुआ और एक्सपायरी डेट के साथ। हम लोग जो भी मेडिसिन वगैरह रहता है सभी को एक्सपायरी का डेट के साथ। देखिए सबसे बड़ी चीज हम दिखाना चाहेंगे कि ये चीज, एक मिनट थोड़ा मैडम, ये देखिए सबसे बड़ा चीज है डीएनएस एक्सपायरी, जो भी डीएनएस है, जो भी बोतल है पानी का, वो कब तक एक्सपायर होंगे ये लिखा हुआ है बखूबी। आप देखिए फरवरी 2023 में ये जितने भी है ये एक्सपायर करेंगे, ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए इधर लिखा हुआ है हिमा सेल एक्सपायरी डेट 2022, इस टाइप का जो किया हुआ है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है एडाप्टर है, क्या क्या है, जो भी इक्विपमेंट है उसको बजाबते बहुत अच्छा से रखा गया। देखिए इधर यहाँ ग्लव्स रखा गया है, यहाँ लिखा गया है ग्लव्स, ये भी एक सरकारी अस्पताल है। हम आपको जो दिखा रहे हैं वो देखने की कोशिश, वो लोग जो कहते हैं कि बिहार सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो वो चीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार देती है लेकिन लोग करे तब। तो देखिए आपकी किस प्रकार से, नर्सिंग स्टेशन है। हाँ, नर्सिंग स्टेशन के साथ, ये देखिए कितना अच्छा से ये बनाया गया है, नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि किस एएनएम का, कौन से डॉक्टर का, कब कहाँ कितने बजे ड्यूटी है। ये देखिए ये आपको प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, ये फलका का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल जिसको कहते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से सजाया गया है, ये देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन हम आपको बताते हैं ये रूस्टर वगैरह है, ड्यूटी चार्ट होता है, ये है। आप देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन हम आपको बताते हैं ये रूस्टर वगैरह है, ड्यूटी चार्ट होता है, ये है। आप देखिए ना कितना साफ सफाई है, मैडम लोग है एकदम वेल, जो ड्रेस होता है उसमें है, कितनी अच्छी बात है। और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए मैडम बताएंगे ये क्या है, 5S ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है जिससे की तरह हम इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करके रखते हैं सर, 5S है ये मिशन हमारा, ये वैल्यू, ये 7R है, और ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें हम भी कोई फंक्शन पार्टी करते, या ये हमारा स्वच्छता अभियान रैली चला हुआ था तो उसका पिक है, वीडियो एविडेंस के, ये हमारे ये योगा क्लास होता है, योगा ऊपर में योगा का डिस्प्ले। ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ हमारा अगले मंथ, मतलब एक साल का टोटल, एक साल में रन चार्ट है जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि इतना केस हुआ और इतना रेफर हुआ है। इसके लिए हमें कहीं फाइल नहीं उल्टाना पड़ेगा, चार्ट लगा हुआ है, कोई भी आएगा तो जान जाएगा इतना केस मैनेज हुआ। यहाँ ये हमारा MCS भी है, स्ट्राइक जोन यहाँ से, ये हमारा ANC वार्ड हुआ, यहाँ डिलीवरी से पहले यहाँ महिला को रखा जाता है, वेटिंग एरिया एक तरह से कर सकते हैं महिला। ट्राइल रूम से आने के बाद वेटिंग में जो भी पेशेंट रहती है वो इस रूम में रहती है, नहीं लगे बैठ। पीएमसी रूम है हमारी, डिलीवरी के 2 घंटे बाद हम पेशेंट को इस रूम में शिफ्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। ये हमारी 2 बेनिफिशियरी है चाची, आपने ये बोलिए ना, ये अभी हमने हुआ प्लस काउंसलिंग भी, पीएमसी केयर काउंसलिंग होता है यहाँ पर, डिलीवरी के 2 घंटा बाद इस रूम में शिफ्ट किया जाता है। जब बच्चा स्पेशली हमें 1 मिनट के अंदर नहीं रोता है तो ये इस पर डिलीवरी इसी रूम में होता है, बताइए।
ये फोकस लाइट है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, वो प्रेस कार्ड है, और सारे इमरजेंसी के लिए हमारे पास किट है, पीपीएच की, पीपीएच का किट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा के लिए हम सामान इकट्ठा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो किट लेके ही जाएंगे हम। ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें फिल डेट और ये फिलिंग डेट और एक्सपायरी डेट।